गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शैलेश कुमार सिंह। तो शेयर एक्स ट्रेडिंग की अनदर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और सुबह के 9:12 हो चुके हैं। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि आज के सेंटिमेंट्स क्या हैं और हमारी ट्रेडिंग प्लानिंग आज की क्या होने वाली है। ऑलराइट, तो दोस्तों हमारे सेंटिमेंट जो हैं वो नेगेटिव हैं। मैक्सिमम सेंटिमेंट्स हमारे नेगेटिव है, बट चूंकि आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है तो मार्केट में हमें कुछ अपोजिट साइड के भी सेंटिमेंट्स, मींस पॉजिटिव सेंटिमेंट्स भी दिख सकते हैं। वॉलीटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है और शाम को फेड्स के डिसीजंस भी आना है, तो उसकी वजह से भी हमें वॉलीटिलिटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। बट अभी हमारा कॉन्फिडेंस डाउन साइड ही है। मार्केट में हम स्टार्टिंग ऑफ द डे डाउन साइड ही एंट्री लेंगे अगर हमें एंट्री मिलती है, और रेस्ट ऑफ द डे हम स्कैल्पिंग करके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं आपको अपनी एक बार वॉच लिस्ट दिखा देता हूं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, तो दोस्तों बैंक निफ्टी जो है वो लगभग 450 अंक नीचे खुल रहा है, और जैसा कि हमने प्लान किया था मार्केट में सेंटिमेंट्स नेगेटिव होने की वजह से हम स्टार्टिंग ऑफ द डे डाउन साइड ही एंट्री लेंगे, मींस हम कॉल को शॉर्ट करेंगे। तो यहां पर मैंने अपनी रडार पर 45,600 और 45,700 की कॉल को लगा रखा है। एंट्री हमारी इमीजिएटली भी बन रही है यहाँ पर, और अगर इमीजिएटली हम किसी कारणवश एंट्री नहीं कर पाते हैं तो हम यहाँ पर एचपी स्कैल्पिंग बेस एंट्री करेंगे, मींस मार्केट को थोड़ा सा रिकवर होने देंगे अगर वो हो रहा है, और उसके बाद जब डाउनसाइड आने लगेगा इसके प्राइस, तब हम यहाँ पर कॉल को शॉर्ट करके चलेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टे कनेक्टेड, देखते हैं हमें एंट्री मिलती है या नहीं मिलती है। ऑलराइट दोस्तों, तो फटाफट से एक एंट्री यहाँ पर नज़र आ रही है, एंटर कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा लेट हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, 92 के लेवल पे। ओके, फटाफट से स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा लेते हैं क्योंकि एक्सपायरी वाला दिन है, 105 का। ऑलराइट दोस्तों, तो ऑलरेडी हमारा 105 का जो स्टॉप लॉस होना चाहिए उसी के नज़दीक प्राइस आ चुका है, तो अब मैं स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा, मैं मैनुअली एग्जिट कर देता हूँ इसे यहीं पर। ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, तो 106-107 के लेवल पे पोजीशन एग्जिट हो गई है, नो प्रॉब्लम। वेट करते हैं दोबारा से एंट्री मिलने की। ओके, ऑलराइट दोस्तों, तो ये मेरी सेकेंड ट्रेड है, सेम स्ट्राइक प्राइस में है, 102-103 के आसपास मेरी एंट्री हुई है और सिंगल लॉट से ही मैं ट्रेड कर रहा हूँ। और फटाफट से स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देता हूँ, 115 का स्टॉप लॉस ऑर्डर होगा। ऑलराइट, थोड़ा सा बफर रखते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, तो मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर पंच हो चुका है और हम यहाँ पर दोस्तों सेम स्ट्राइक प्राइस में दोबारा से एंटर किए हैं। ये एक वेरिस ही ट्रेड है, और पिछली बार जो है मेरी एंट्री जो थोड़ी सी लेट हुई थी 92 पर, और मेरा उसके हिसाब से स्टॉप लॉस बन रहा था 105 का, बट स्टॉप लॉस ऑर्डर वहाँ पर पंच नहीं हो पाया। इतनी ही देर में प्राइस के मूवमेंट, सॉरी ऑप्शन के मूवमेंट इतनी तेज़ी से अपसाइड हुए कि हमें वहाँ पे मैनुअली एग्जिट करना पड़ा और हमें वहाँ पर थोड़ा बहुत लॉस हुआ, 200 रुपये के आसपास, 200-250 के आसपास। तो वैसे भी आज एक्सपायरी डे है तो हम छोटे छोटे लॉस ले सकते हैं। आज का हमारा जो स्टॉप लॉस होगा बहुत छोटा होगा, ट्रिगर एज यूजल हमेशा की तरह बड़े होंगे, इसके जीरो होने तक का हम वेट करेंगे, कोई हमारा ट्रिगर नहीं, कोई हम एग्जिट नहीं करेंगे। तो दोबारा से मैंने सेम स्ट्राइक प्राइस में एंट्री ली है, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, ठीक है, ओके, ऑलराइट, तो दोस्तों सेम स्ट्राइक प्राइस में फिर से एंट्री ली है और केवल 11 से 12 पॉइंट्स का यहाँ पर रिस्क है मेरा। अगर यहाँ पर मार्केट फिर से अगेंस्ट जाती है, जो कि थोड़ा बहुत जा रही है, तो अगर यहाँ पर मुझे अगेंस्ट फिर से जाती है मार्केट, तो मुझे यहाँ पे मैक्सिमम 11 से 12 पॉइंट्स का ही लॉस होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा यहाँ पर टारगेट कुछ नहीं है, मैं वेट करूँगा इसके जीरो होने का, अगर ये जीरो होती है, अदरवाइज़ मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, जो आप लोग जानते हैं मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता रहता हूँ। अदरवाइज़ वो मेरा जहाँ पर कहीं पर भी अगर स्टॉप लॉस ट्रेल होगा और वो हिट होगा तो वो हिट हो जाएगा, अदरवाइज मैं मैनुअली एग्जिट नहीं करूंगा, वेट करूंगा इसके जीरो होने तक का। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 103-104 के आसपास मेरी एंट्री है, 102-103 के आसपास, सॉरी, और मेरा यहां पर जो टारगेट है वो कितना है, पूरे के पूरे पॉइंट्स लेने का, मींस 102-103 पॉइंट्स लेने का, और यहां पर मेरा जो स्टॉप लॉस है वो कितना है, केवल और केवल 11 पॉइंट का। तो आप कैलकुलेशन करिए कि रिस्क रिवॉर्ड मेरा कितना हुआ। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं कि स्टॉप लॉस हिट होता है या अगेन हम स्ट्रेट से एग्जिट हो जाते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट दोस्तों, तो अगेन मेरा यहाँ पर फिर से स्टॉप लॉस हिट हो गया है और आप लोग देख सकते हैं मुझे यहाँ पे 400 रुपये का लॉस
हो चुका है। तो दोस्तों ये दूसरी ट्रेड थी मेरी, और दूसरी ट्रेड में भी मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ, छोटा सा स्टॉप लॉस था, और यहाँ पर मुझे टोटल 400 रुपये का लॉस हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मैं आज फिर से ट्रेड लूँगा क्योंकि वीकली एक्सपायरी है, और आप लोग जानते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन हमें बार बार मौके मिलते हैं एंट्री के। ध्यान रखिएगा सेरेक्स ट्रेडर, स्पेशली आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पर केवल और केवल बेयरिश ट्रेड ही ले रहे हैं, हमें कोई भी अपसाइड ट्रिगर अभी तक सिग्नल हमें अपसाइड ट्रिगर नहीं मिला है चार्ट पर। तो जब तक हमें अपसाइड ट्रिगर नहीं मिलता हम वहाँ एंटर नहीं करेंगे। अब अगर दोबारा से फिर से मुझे एक बेयरिश पोजीशन मिलती है मैं फिर से एंटर करूँगा, और अगर चार्ट पर हमें अपसाइड ट्रिगर दिख जाता है तो फिर हम अपसाइड ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं दोस्तों, अभी रेड जोन में ही मार्केट चल रहा है, अगर यहाँ से और गिरता है नीचे आता है तो HP स्कैल्पिंग के बेस से मेरी एंट्री बनेगी और यहाँ पर मैं फिर से एक बेयरिश ट्रेड में एंट्री करूँगा, और अगर मुझे चार्ट पर अपसाइड ट्रिगर मिलता है तो फिर मैं अपसाइड ट्रिगर करूँगा, मैं एंट्री करूँगा, मीन्स स्कैल्पिंग करके चलूँगा, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टे कनेक्टेड। ऑल राइट, तो सेम स्टॉक प्राइस में फिर से एंट्री दिख रही है, फटाफट से एंट्री बना लेता हूँ इसी लेवल पर, ठीक है। ऑल राइट, एक बार ऑर्डर हिस्ट्री चेक कर लेते हैं, हमारा ऑर्डर कितने पे एग्जीक्यूट हुआ है, 108 पॉइंट समथिंग, ठीक है दोस्तों। तो मेरे यहाँ पर जो है फिर से सेम बेयरिश एंट्री हुई है, HP स्कैल्पिंग के बेस पे एंट्री है ये, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ HP स्कैल्पिंग में एंट्री कैसे करते हैं, और 108 के आसपास की एंट्री है, और यहाँ पर मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो अगेन छोटा होगा, फिर से 12-13 पॉइंट का होगा। थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि ट्रेड हमारे फेवर में आ चुकी है, और जस्ट अ मिनट। ऑल राइट, तो अभी जो 400 रुपये का लॉस था वो हमारा 100 का ही रह गया है, ओके। तो वैसे तो दोस्तों मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 12-13 पॉइंट का होगा, मींस 121 के आसपास का होगा, 108 पर मेरी एंट्री है, और चूंकि ट्रेड हमारे फेवर में आ चुकी है तो आप लोग जानते हैं मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके नीचे भी लाता हूं, तो उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से, उस कैलकुलेशन के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस और कम हो गया है। अब मेरा जो स्टॉप लॉस लगेगा वो लगेगा 111 के आसपास, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आपसे बात करते करते जल्दी से हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है, मार्केट में किसी भी तरफ की मूवमेंट तेजी से हमें देखने को मिल सकती है, और ये अमूमन बात होती है एक्सपायरी के लिए, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देते हैं, पंच कर देते हैं, ठीक है, ओके। 111, ठीक है, थोड़ा सा बफर रखते हैं। ऑल राइट, ठीक है दोस्तों, जो मेरा स्टॉप लॉस लगना था 121 का वो ट्रेल होके 111 पे मैंने लगाया, क्योंकि ट्रेड हमारे फेवर में आ चुकी है और काफ़ी अच्छा इसने यहाँ पर मूवमेंट हमें दिखा दिया है, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं फिर से क्या करूँगा, मैं केवल और केवल बैठ के स्टॉप लॉस को ट्रेल करता रहूँगा, कोई भी टारगेट नहीं है मेरा, कोई भी प्रॉफिट बुक मैं नहीं करूँगा यहाँ पर टिल जब तक इसकी पोजीशन या तो जीरो ना हो जाती है, या फिर मुझे यहाँ पर मेरा कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाए, ठीक है। तो अभी 111 पे है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अगर अभी हिट होता है ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम फिर से एंट्री ढूंढेंगे, फिर से एंट्री लेंगे, और अगर और ट्रेड हमारे फेवर में आने के बाद मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किसी और लेवल पर हिट होता है तो उस समय क्या कंडीशन होगी, उस समय हमें कहाँ पर एंट्री करनी है, वेरिस एंट्री करनी है, वुलिस एंट्री करनी है, वो उस समय का डिसीजन होगा। और अभी फिलहाल मैं मार्केट में वेरिस ही हूँ, और मार्केट में हमें एक डाउनसाइड मूवमेंट दिखाई दे रही है, नजर आ रही है। तो अब ठीक है दोस्तों, बैठ के वेट करेंगे और स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, या तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा या आज हमें यहां पर ये अपनी प्रॉफिट देके जाएगा। ऑलराइट, चलिए दोस्तों स्टे कनेक्टेड। Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी ट्रेड हमारे फेवर में आ चुकी है और मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर करके नीचे ला रहा हूँ। प्रेजेंटली हमें 600 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है, और 400 रुपये का हमारा जो लॉस था वो भी इसमें रिकवर हो गया, मींस अगर उस हिसाब से देखें तो हमें यहाँ पे 1000 रुपीज़ का लगभग प्रॉफिट हो रहा है एक सिंगल लॉट में, ठीक है। और एक ही लॉट से मैं ट्रेड कर रहा हूँ और वेट करेंगे, कोई टारगेट नहीं है मेरा, मैं केवल और केवल ट्रेल करूँगा स्टॉप लॉस को और वेट करूँगा इसके जीरो होने तक का, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टे कनेक्टेड। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though.
confess that I feel so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. You lies, I'll do what I want. The gas in the bed, what the sad heaviness. She's so bad in the chair, made the bread off the mess. The gas in the bed, what the sad heaviness. She's so bad in the chair, made the bread off the mess. The gas in the bed, what the sad heaviness. She's so bad in the chair, made the bread off the mess. The gas in the bed, what the sad heaviness. She's so bad in the chair. All right, दोस्तों, तो बहुत ही बढ़िया दिन यहाँ पर जो है मार्केट ने हमें वेरी सी पोजीशन में रखा और हमें यहाँ पर हमारा ना तो कोई स्टॉप लॉस हिट हुआ ना ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ और अभी तक हम ट्रेड में मौजूद हैं और इसने अपना लो लगा दिया 16 रुपए का। हमारी एंट्री हुई थी 108-109 के आसपास में और अभी ये प्रेजेंटली जो है वो 16 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर अगर हम देखें तो हम 90-92 पॉइंट लगभग ले चुके हैं अभी तक ट्रेड में। बट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं यहाँ पर मैनुअली एग्जिट नहीं करूँगा, मैं इसके जीरो होने का वेट करूँगा या फिर अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिट होने का वेट करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों एक अच्छा दिन आज हमें देखने को मिला और ट्रेडिंग में इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ पेशेंस जरूरी होता है, डिसिप्लिन जरूरी होता है। आपने देखा कि मेरे दो छोटे छोटे लॉस हुए, दो ट्रेड में मुझे लॉस हुआ बट तीसरी ट्रेड चली तो वो दोनों लॉस भी कवर हो गया और एट द एंड ऑफ द डे हमें प्रॉफिट में ही छोड़ के जाएगा। ठीक है, तो 400 रुपये का हमें जो लॉस था वो भी रिकवर हो गया, इस समय 1034-1032 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है, तो उस हिसाब से हमें 1400 रुपये हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। इस ट्रेड ने हमें 1400 रुपये के आसपास का प्रॉफिट दिखाया है और ठीक है दोस्तों, देखते हैं या तो ये यहाँ से रिवर्स जाएगा तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ही, मैं कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा ही जाऊंगा 700-800 रुपए का प्रॉफिट, और अगर ये और सपोर्ट में जाती है तो हमें और कितना प्रॉफिट हो सकता है देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों आज ये जीरो होती है या फिर नहीं होती है। ऑलराइट, feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. You lies, I'll do what I want. All right, तो यहाँ पर मैं stop loss order को cancel कर देता हूँ, just a minute. Okay, all right. ऑल राइट, तो 3:07 हो चुके हैं और मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल कर दिया है और मैं इसको एग्जिट करूंगा। क्यों एग्जिट करूंगा? क्योंकि ऑलमोस्ट ये जीरो हो चुकी है, 25-30 पैसे इसमें और बचे हैं लेने के लिए। तो चलिए इस पोजीशन को मैं एग्जिट कर देता हूं, फिर आपसे बात करता हूं। ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट, तो हम अपनी पोजीशन से एग्जिट कर चुके हैं। ओके, ठीक है, राइट, चलिए। तो दोस्तों मैंने चूंकि यहाँ पर केवल 25 और 30 पैसे रह गए थे और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट अभी क्लोज होने में 20-22 मिनट रह गए हैं, बट यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, जब हम ऑलमोस्ट हमारा जो टारगेट है या जो मैं मॉर्निंग में बात कर रहा था कि ऑप्शन के जीरो होने तक का वेट करेंगे तो वो जीरो हो ही गई है क्योंकि कुछ पैसे ही बचे हैं। तो यहाँ पर एग्जिट इसलिए किया क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी भी टेक्निकल एरर की वजह से, मान लीजिए हम लास्ट तक वेट करते हैं, लास्ट के 2-3 मिनट तक वेट करते हैं और वहाँ पर मान लीजिए किसी भी टेक्निकल एरर की वजह से या किसी भी कारण बस अगर हमारा ऑर्डर वो पेंडिंग में पड़ जाता है तो हमें वहाँ पे कुछ चार्जेस देने पड़ सकते हैं अननेसेसरी। तो 30-25 पैसे के लिए हमें रुकना बेकार है, तो ऑलमोस्ट हम इसे जीरो ही कंसीडर करेंगे क्योंकि 0.30 इसका रेट चल रहा है। तो आज हमने दोस्तों जो है 45,700 की कॉल को 108-109 के रेट पे शॉर्ट किया था, सेल किया था और हमने इसके जीरो होने तक का वेट किया और एट द एंड ऑफ द डे ये जीरो हो गई और हमें टोटल 1280 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो दोस्तों ठीक, आपको भी इसी प्रकार डिसिप्लिन मेंटेन करना है, पेशेंस के साथ में काम करना है, ट्रेडिंग में प्रॉफिट होगा, प्रॉफिटेबल आप होगे, ट्रेडिंग में से पैसा निकलेगा, बशर्ते आपको अपने जो रूल्स बनाए हुए हैं उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होती है आपसे एक अनदर वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ प्रॉफिटेबल लाइफ।